आईपीएल 2024 का ऑक्शन हो चुका है खत्म और सभी टीम्स के फाइनल स्क्वाड आउट हो चुके हैं। और अगर किसी टीम के पास सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पर उनके पास है रचिन रविंद्र, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और काफी ज्यादा चॉइसेस भी उनके पास है। तो चलो देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द आईपीएल 2024। तो पहले देखते हैं इनके स्क्वाड को। तो इनकी टीम में बैटर्स आते हैं अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, शेख राशिद और समीर रिजवी, जिन्हें सीएसके ने खरीदा था 8.4 करोड़ रुपीज में। और रिसेंट यूपी T20 लीग में इन्होंने काफी तगड़ा परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने 36 छक्के लगाए थे और टूर्नामेंट में उनके नाम थे टोटल 455 रन। और बॉलर्स की बात करूं तो इनके पास आते दीपक चार, महेश दीक्षणा, मतीशा पति राणा, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, हंगरेकर, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान। विकेट कीपर्स में आते हैं कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, डेविन कॉनवे और अरवेली अवनीश। ऑलराउंडर्स में आते हैं अजय यादव, मंडल, मिचेल सैंडनर, मोइन अली, निशांत सिंधु, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्र, जिनकी वजह से इनकी टीम में ऑलराउंडर हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो पहले नंबर पाएंगे डेविन कॉनवे, उनके साथ ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, और जिन्होंने पिछले साल भी ओपनिंग सीएसके के लिए की थी और काफी तगड़ा परफॉर्म किया था। तीसरे नंबर पाते हैं रचिन रविंद्र, उनके पास आते हैं डैरिल मिचेल। पांचवें नंबर पाते हैं समीर रिजवी, उनके पास शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मतीशा पति राणा। तो भाई मेरे हिसाब से सीएसके की ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए आईपीएल 2024 के लिए। और आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।